गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कल तो हम लोग थामेल एरिया घूम चुके थे, आपको पता ही होगा। और उसके बाद हमने कुछ किया नहीं, रात को हम लोग पापा के फ्रेंड के घर गए थे, उसके बाद फिर आ गए। और अभी बज रहे सुबह के 5:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं लुम्बिनी चितवन की तरफ। बेसिकली लुम्बिनी तो आपको पता ही होगा, वहाँ से मतलब बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा काफ़ी पास है। तो आज का वही प्लान है, आज हम लोग लुम्बिनी जाएंगे और फिर कल हम लोग जाएंगे लुम्बिनी से लखनऊ। तो ये मतलब आज आप कह सकते हो हमारा नेपाल में लास्ट डे है और कल हम लोग चले जाएंगे इंडिया। बट एक चीज़ है, जो लुम्बिनी तक का रोड है ना भाई, वो इतना ख़राब है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि 9-9 घंटे भी लग सकते हैं। और मतलब जो स्ट्रेच जैसा जो स्ट्रेच पोखरा से काठमांडू का ख़राब, तो उससे भी वर्स्ट है। तो अब देखते हैं क्या है, मतलब इसलिए हम लोग काफ़ी जल्दी निकल रहे हैं। मतलब डिस्टेंस बहुत कम है बट रोड एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए थोड़ा जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग जल्दी निकल। अगर हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं तो हम लोग फिर लुम्बिनी में भी बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा वगैरह घूम सकते हैं। तो वही टारगेट है हमारा कि हम लोग शाम तक पहुंच जाए और वहां का लोकल घूम लें। अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं लुम्बिनी के लिए काठमांडू से। अभी हम लोग काठमांडू से लुम्बिनी जा रहे हैं और रास्ते में ये रहा चितवन नेशनल पार्क। तो आप लोग देख सकते हो, आई थिंक चितवन टाइगर्स के लिए फेमस है बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ। और देखो कितना अच्छा रोड है और साइड में कितना सही व्यू है। देखो नारायणगढ़ के बाद एकदम खराब से खराब रोड शुरू हो चुका है। अब पता नहीं अगर 100 किलोमीटर तक ऐसा रोड है तब तो हो गया, बट देखो भाई रोड क्या है, बस पत्थर ही पत्थर है। और ये सब मतलब नारायणगढ़ के बाद हुआ है। हमारा जो खराब रोड का स्ट्रेच था वो खत्म हुआ है थोड़ी देर के लिए, या परमानेंटली वो तो अभी नहीं पता। और हम लोग मतलब गूगल को फॉलो करके लुम्बिनी जा रहे हैं, तो गूगल ने मेन रोड छोड़ के अंदर गांव-गांव से ले जा रहे हैं। बट भाई यहाँ का रोड एकदम खाली और व्यू भी अच्छा है और एकदम सही रोड है। बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे उनका एक स्कल्पचर बना हुआ है और यहाँ पे लुम्बिनी लुम्बिनी आते हैं जो फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। और आगे भी कुछ है, अभी हम लोग जाते हैं। मतलब जो आगे आप लोग देख रहे हो, अभी हम लोग जा भी रहे हैं, ये रहा जो व्हाइट वाला पोर्शन जा रहे हैं, जहाँ पे व्हाइट थोड़ा स्तूपा टाइप का दिख रहा है, उसे क्लेम किया जाता है कि वो एक्चुअल जगह है जहाँ पे एकदम बुद्धा का बर्थ हुआ था। वहाँ पे कुछ मार्किंग्स वगैरह भी है। तो बुद्धा का बर्थ हुआ था अराउंड 626 BC में और अराउंड अभी से देखा जाए तो 2600 साल पहले। प्रोहिबिटेड टू मेक टिकटॉक, इसलिए मैं कहता हूँ ना टिकटॉकर्स क्रिंज होते हैं, हेंस ब्रूम्स ने यहाँ पे तहलका मचा रखा था, जो ये इतना बड़ा बोर्ड लगाना पड़ा, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू मेक टिकटॉक। यहाँ से अंदर जा रहे बट लिखा है नो फोटोग्राफी इनसाइड द टेम्पल, तो यहाँ के रूल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मैं अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मतलब इधर तक बना सकते हो बस एंट्रेंस तक, उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे टिकटॉकर्स का भी है ही बहुत ज़्यादा और इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो हम लोग ही बस एंट्री तक बना। यहाँ पे जो तब लुम्बिनी डिस्कवर हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1897 में डिस्कवर किया था लुम्बिनी। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, नो टिकटॉक, तुम लोग बैंड हो। आप देख सकते हो उसी टाइम के सारे रिमेन्स है और अंदर जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, बेसिकली वहाँ पे वही था एग्जैक्ट बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध गौतम बुद्ध था, जो कि सम्राट अशोक ने एक स्टोन रख के डिमार्केट किया था कि यहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था। तो अंदर मेन वही है पर वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ का एक और चीज़ है, ये 6 नंबर डॉग की जो सो रहा है, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट ही इतना काम है कि मतलब अभी तक ये 6 डॉग है जो एकदम सो रहा है शांति से। तो आप लोग देख सकते हो सब ने दिया जलाया हुआ है शाम को और यहाँ पे कोई फेस्टिवल भी चल रहा है और स्पेशली आज पूर्णिमा है, तो इसलिए यहाँ पे लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सही लग रहा है व्यू शाम को, एकदम डिफरेंट वाइब। यहाँ का अशोका पिलर आप लोग देख सकते हो, इसका हेड टूटा हुआ है तो इसलिए नीचे रखा हुआ है और ये है मेन पिलर। यहाँ पे लोगों ने डोनेशन किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ भी था सम्राट अशोका के, कुछ राइटिंग्स भी हैं इधर कहीं, आप देख रहे हो बहुत ब्लरी होगा बट ये सम्राट अशोका ने लिखा था कि मतलब उन्होंने बेसिकली यही डिमार्केट किया था लिखे कि यही गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। पढ़ सकते हो पॉज करके।